60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो, इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, दो टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सजा देने के बजाय कांग्रेस ने देश को बांटने की घोषणा करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी। और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब दो सवा दो महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार
हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है।